वैसे भारत का भी यह स्वभाव रहा है कि भारत अपने लिए बड़ा नहीं बनता है, दुनिया में कई देश बड़े बने और पतित हो गए, आज भी बड़े देश हैं जिनको आज का शब्द है महाशक्ति। लेकिन हम अगर देखते हैं तो ये देश महाशक्ति बनकर करते क्या है, तो सारी दुनिया पर प्रभुत्व संपादन करते हैं, सारी दुनिया के साधनों का स्वयं के लिए उपयोग करते हैं, सारी दुनिया पर राजनीतिक सत्ता अपनी चले प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष ऐसा प्रयास करते हैं, सारी दुनिया पर अपना ही रंग चढ़ाने का प्रयास करते हैं। ये सब चलता है या चल रहा है, और इसलिए दुनिया में एक बहुत बड़े भूभाग में विद्वान लोग ऐसा सोचते हैं कि राष्ट्र बड़ा होना दुनिया के लिए खतरनाक बात है। नेशनलिज्म इस शब्द को आज दुनिया में अच्छा अर्थ नहीं है। कुछ वर्ष पूर्व संघ की योजना से यूके जाना हुआ तो वहां के बुद्धिजीवियों से बात होती थी, 40-50 चयनित लोगों से संघ के बारे में चर्चा हुई, तो वहां के अपने कार्यकर्ता ने कहा कि शब्दों के अर्थों के बारे में सावधान रहिए, अंग्रेजी आपकी भाषा नहीं है और आप अपना पुस्तक में जो अंग्रेजी पढ़ी है उसके अनुसार बोलेंगे, परंतु यहां बातचीत में शब्दों के अर्थ भिन्न हो जाते हैं, इसलिए आप नेशनलिज्म इस शब्द का उपयोग बताइए। आप नेशन कहेंगे चलेगा, नेशनल कहेंगे चलेगा, नेशनलिटी कहेंगे चलेगा, नेशनलिज्म मत कहो, क्योंकि नेशनलिज्म का मतलब होता है हिटलर, नाजीवाद, फासीवाद। अब ऐसे ये शब्द वहां बदला हुआ है, परंतु हम जानते हैं कि एक राष्ट्र के नाते भारत जब जब बड़ा हुआ तब तब दुनिया का भला ही हुआ है। अभी गीत आपने सुना, विश्व का हर देश जब दिख भ्रमित हो लड़खड़ाया, सत्य की पहचान करने इस धरा के पास आया, भूमि यह हर दलित को पुचकार की, हर पतित को उद्धार की, धन्य देश महान, ऐसा हमारा धन्य महान देश भारत है, ये इसका स्वभाव है। और आज की दुनिया को भारत की आवश्यकता है,